देश के बड़े बड़े कवि यहाँ विराजमान है और वाह वाह क्या जोड़ी है, बहुत ही लाजवाब जोड़ी। भगवान ये जोड़ी सलामत रखें। मैं चूंकि पति पत्नियों पर बात किया करता हूँ, मैं आपको बताऊँ सच्ची घटना। एक बार एक आदमी की शादी हुई साहब। अब शादी हुई तो हुई, लेकिन उसके छह पहलवान। अब छह पहलवान भाइयों की इकलौती बहन, वो भी पहलवानी, तो वो मरियल से आदमी जैसा वो कहती करता, जैसा वो नचाची नाचता, लेकिन आखिर मर्द का बच्चा था। एक दिन पत्नी ने गलती कर दी और उसने जोरदार उसको डांट दिया। वो रोते रोते अपने पहलवान भाइयों के पास गई कि तेरे जीजा ने मुझको डांटा। तो उन्होंने कहा उस मच्छर की इतनी हिम्मत, तू जा घर पे और उसको भेज। वो घर जाके अपने पति से कहती कि मेरे भाइयों ने तुम्हारे लाड प्यार करने के लिए बुलाया है, आप वहाँ जाइए। वो दामाद की तरह सज सज कर जैसे ही ससुराल पहुँचता है, छह के छह पहलवान भाई उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसका कचूमर निकाल देते हैं। थके हाल फटे हाल वापस घर आता है। पत्नी पूछती है क्या हुआ, तो पति जवाब देता है जी, अरे पप्पू की मम्मी तेरे भाई कसाई। जूते और चप्पल से कर दी ऐसी सुताई है। अब जब आदमी भाई साहब कुंठित हो जाता है तो उसके अंदर गलत गलत आइडिया जाते हैं। वो देखता है यार साले भी आए दिन सताते रहते हैं, पत्नी भी रोज पीटती रहती है, ससुर बेचारा अच्छा है कोई नई व्यवस्था कर देगा। तो उसने अपने 5-15 पत्नी पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया, बैंड बाजा मंगाया, घोड़ी मंगाई, घोड़ी पे बैठ के ससुर के द्वार पे। तो ससुर ने कहा कि जमाई जी आज कैसे, तो जमाई ने जवाब दिया और ऐसी दी सौगात जो रोज ही मर लात, मैं फिर लाया हूँ बरात ससुर जी दूसरी वाली दो, मुझे दूसरी वाली दो। अरे लड़की है तेरी अनाड़ी, जैसे बैल हो बिन गाड़ी, इसलिए जाए भले कबाड़ी, मुझे दो दूसरी वाली दो। आजकल के नौजवान बच्चे तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं हेयर स्टाइल बनाने में जी। मेरे को एक सच्ची घटना याद है। एक बार एक लड़के के बड़े सुंदर सुंदर बाल, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी। एक लड़की ने उसको देखा और देखते ही उसके बालों पे फिदा हो गई कि शादी करूंगी तो इसी सुंदर बाल वाले लड़के से, वरना जिंदगी भर कंवर ही रहूंगी। बात शादी तक पहुंची, लेकिन एक शर्त रखी कि ये लड़का अपने बाप के साथ विदेश जाएगा, एक साल के बाद पुनः लौट के आएगा तो तेरी शादी इससे कर दी जाएगी। लड़की ने कहा कि मैं तो इसके बालों से इतनी मोहब्बत करती हूँ, 4 साल भी इंतजार कर लूंगी। लड़का अपने बाप के साथ विदेश जाता है, वहाँ पाश्चात्य संस्कृति में रंग कर माथे पे जाने क्या क्या लगाता है। थोड़े दिनों बाद तो बिल्कुल सारे बाल उड़ जाते हैं, गंजा हो जाता है। हिंदुस्तान लौट के आता है, लड़की लड़के को देख के कहती है भैया तू नहीं बन सकता मेरा सैया, तू तो ये बता दे कि ये हाल हुआ कैसे। के तेल था खुशबू वाला, तेल था खुशबू वाला, माथे में जो ही डाला धीरे धीरे उड़ने लगे बाल, तभी से टकला मेरी जान, काली दाढ़ी और मूछे पर इनको कौन पूछे, इच्छा यही है मेरी सिर पे हो काले गुच्छे, चेहरा सजनी को भाए और वो मेरी हो जाए, बगिया है उजड़ी उजड़ी इसमें हरियाली आए, तन मेरा था स्वदेशी चीजें अपनाई विदेशी, फिर कैसे बचाता खुद कमाल, दिखने लगा है चमकीला चांद। अब इतना करते हुए भी उस लड़के के माथे पे 2 बाल बची गए। अच्छा, अब वो दोनों बाल आपस में बात कर रहे हैं, यार ये लड़का जाने माथे पे क्या क्या लगाता रहा, फिर भी इसके माथे पे हरियाली नहीं आई। हम दोनों बाल आपस में एक काम करते हैं, हम दोनों बाल आपस में शादी कर लेते हैं तो हमारी जो संतानें होगी जिससे इसका पूरा माथा हरा भरा हो जाएगा। तो दूसरे वाले बाल ने कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। कि क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बाल विवाह करना कानूनी अपराध है। एक
पैरोडी और निवेदन करता हूँ हमारे देश के राजनेता के, फांकते रहते हरदम शेखी बगारे, भोली भाली जनता को घर तुम्हें उतारे, भोली भाली जनता को घर तुम्हें उतारे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे गणतंत्र को हिला दे, गणतंत्र को हिला दे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे। आतंकवाद है, नक्सलवाद है, तेरे ही कारण यहाँ जंगल राज है, बेरोजगारी भ्रष्टाचारी काला बाजारियों का तू सरताज है, काला बाजारियों का तू सरताज है, तेरे सस्ते सस्ते प्यादे बुनियादों को हिला दे, बुनियादों को हिला दे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे। क्या बात है, वाह क्या बात है सुंदर साहब, आपको देख के तो लड़कियां भी सीटियां बजा रही हैं और मैं आपकी जेलेसी भी देख रहा हूँ। ये सर बच्चों की बात कर रहे थे जी, तो मेरे भी अपने जाती खुद के बच्चे हैं, व्यक्तिगत बच्चे जी, और एक आपकी तरह शरारती भी है। अच्छा, तो मैं सिंगल बार कर रहा था, सोच रहा हूँ थोड़ा सा हाइट बढ़ जाए, तो उसने मेरे बच्चे ने देखा, बोले पापा ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं हाइट बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए सिंगल बार कर रहा हूँ। बोले पापा आप ऑलरेडी लंबे हो रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा तुझे क्या समझ में आया। बोले देखिए ना आपका सर बालों के बाहर आ गया। आइए से मैं आपको कविता सुनाता हूँ जी, सुनाए। किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, किस्मत ने किस हसीन का किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया, और शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था। क्या बात है, शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी निगाहें शौक ने गुल्लर बना दिया। अब पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, ओहो 18 लाख का, पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया। आइए एक मतलब सिर्फ पगड़ी गवा के आया हूँ, अच्छा सिर्फ पगड़ी गवा के आया हूँ, सर तो लेकिन बचा के आया हूँ। क्या बात है, और जिसको आती थी इश्क की मिर्गी, इश्क की मिर्गी, जिसको आती थी इश्क की मिर्गी, उसको जूता सुंगा के और जिसकी नजरें थी मेरी मुर्गी पर, अच्छा जिसकी नजरें थी मेरी मुर्गी पर, उसको मुर्गा बना के और दोनों बेगम लड़ेंगी परसों तक, दोनों बेगम लड़ेंगी परसों तक, ऐसी पट्टी पढ़ा के आया हूँ। और जिनकी नजरों ने दिल चुराया था, क्या बात है,
जिनकी नजरों ने दिल चुराया था उनका बटवा चुरा के। इसी काफिए में एक आध कोई और चीज जोड़ दीजिए। अच्छा, मैं तो सुंदर था पहले भी, आज पाउडर लगा के आया हूँ। आइए एक मतलब दो तीन शेरियत मत कर लीजिए। शायद आम खाती रही बीवियां रात भर। अच्छा, आम खाती रही बीवियां रात भर। खाती रही बीवियां रात भर, मैं उड़ाता रहा मक्खियां रात भर।